आवाज नहीं आ रही है क्यों बेटा? हेलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या इतना मजे सुनिए में हो? आवाज नहीं निकल रही है? कौन देगा आज का प्रेजेंटेशन? सबसे पहले मैं ही बोलूं? नीले, नीले आया कि नहीं? नीले आयुषी, हरीश, हितेंद्र, किंजल, प्रणव, रामा, संयुजा, सृष्टि, यशिका। सृष्टि, सृष्टि, यस हाँ रेडी मैम, हो? मैम मैं अभी 10 मिनट से कर लूंगी। हाँ ठीक है, चलो ओंकारम स्टार्ट। सृष्टि, यस मैम। सायराम। मैम हाँ तो आज कौन तैयार है अभी? चलो तुम तो 10 मिनट बात करोगे। आयुषी, आयुषी का तो हो गया। संयुजा, 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 मैं थोड़ी देर में करती हूँ। अच्छा। हितेंद्र, हितेंद्र तैयार नहीं है यस इसलिए? मैम, हितेंद्र मैं अभी थोड़ी देर, सब थोड़ी देर में मैं थोड़ी करेंगे। देर बाद। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज कराऊं क्या? तब तक आप लोग तैयारी से नहीं हो, थोड़ी देर बाद आप करोगे। सब थोड़ी देर बाद करेंगे तो कैसे होगा? नीले तो आज आया ही नहीं है। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होगा इसमें? अरे इसमें स्टोरी रह गया ना, कुछ बच्चे स्टोरी बोल रहे हैं, कुछ न्यूज बोल रहा है हितेंद्र, नीले, ये दोनों न्यूज बोलने वाले थे। संयोजा, यशिका, यूनिका, सृष्टि की सॉन्ग गाने वाली थी, है ना? चलो ठीक है, तो फिर मैं दीक्षा ओपन करती हूँ, तब तक ये तैयारी कर लेंगे अपना। हमारा अपठिता अभ्यास चल रहा था, तीन हमने करा दिए थे। ठीक है, ओरल टेस्टिंग हो जाएगा। दिख रहा है? यस किंजल, मैम, हाँ ठीक है। आयुषी, एक मिनट। ये है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक साइंटिस्ट रहे हैं, आपको मालूम है? नहीं, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के जनक रहे हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न मिला है। ठीक है, आपको मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? नो मैम। अच्छा चलो, तो ठीक है। आयुषी पठनम करो। अमर्त्य सेन इति नाम एव संस्कृतमयम् संस्कृतमयम् अस्य जन्म शांति निकेतनेन। मैम थोड़ा उधर खिसका दीजिए। इसमें दिख नहीं रहा ना, कैसे जाएगा इधर? क्यों बच्चों बताओ? यस प्रणाम मैम, बेटा, ये यस इधर मैम, क्या? क्या मैम?
ये छुपा हुआ है, इसका फॉन्ट छोटा सा करूं तो मैम नीचे स्क्रॉल, मैम माउस के बटन से नीचे स्क्रॉल करिए, थोड़ा सा राइट की तरफ लेकर जाइए कर्सर को। अच्छा अच्छा ओके मैम, माउस मैम नो मैम मैम और करिए थोड़ा मैम राइट राइट की तरफ, ये राइट करना है कैसे मैम राइट मैम एक्चुअली आप नीचे स्क्रॉल करिए तो मैम ऐसे ही ना एक होगा मैम ऐसे लेफ्ट से राइट में, मैम एक सेकंड मैं आपको, हाँ मैम नीचे मैम यहाँ मैम ये नहीं मैम यहाँ पे करिए मैम बगल में सबसे राइट में एक और है ना मैम सबसे राइट, नो मैम मैम एक सेकंड में स्क्रीन प्रेजेंट करके बताऊं। हाँ बताओ बताओ, हाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैम, एक सेकंड रुक जाइए मैम, अभी वेबसाइट खोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, अस्से होगा वैसे ये है ना मैम, यस मैम अस्से है। मैम मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ करो बेटा करो करो, यस मैम। मैम जैसे कि अभी मैम कोई भी किताब खोला, मैम एक सेकंड रुक जाइए। हाँ करो करो एक्सप्लोर, मैं इसको क्लोज कर दूं क्या? नो मैम मैम आप एक बार बस देख लीजिए मैम, मैं एक सेकंड बता रहा हूँ। संस्कृत मैम मैम कोई भी खोल लिया। हाँ अब जैसे कि मैम ये ऐसे करके आ रहा है तो मैम यहाँ पे ना मैम इसमें नहीं, मैम आपने कौन सी किताब खोली थी एक बार बता दीजिए मैम, उसी में पता चल। हमने तुमको भी कोई भी खोल दो मैम, फिर मैम मैम एक्चुअली कुछ कुछ में मैम पूरा का पूरा आ रहा है तो मैम वही वाला खोलना पड़ेगा अगर देखना है तो। अच्छा तो वो है ये अभ्यास अनुभव, यस मैम तुम ही कर दो तो मैं बंद कर दे रही हूँ। ओके नहीं मैम आप ही कर दीजिए मैम, फिर वो बीच में मान लीजिए कुछ हो गया तो फिर। अच्छा अच्छा हाँ मैम जैसे कि अभी आया ना, हाँ अच्छा ओके यहाँ पे एक बटन है मैम, इसे ऐसे करेंगे ना तो ये साइड हो जाएगा, तो आपको ऐसे करके नीचे जाना है ये, इसे अच्छा और मैम इसे करके ऐसे कर सकती है। हाँ हाँ समझ में आ गया, ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। तो दीक्षा अच्छा हाँ अभी आ गया समझ में, ये ना ऐसे हाँ बोलो आयुषी। मैम एक मिनट, आयुषी स्क्रीन नहीं दिख रही है, दिख रही है ना? हाँ बोलो अस्य। मैम नहीं दिख रही है। अच्छा नहीं दिख रही है तो दोबारा मैं एंटर करना पड़ेगा। नो मैम दिख रही है। अच्छा उसको नहीं दिख रही, पिन करना पड़ेगा आयुषी। हाँ रुक रुक आयुषी किंजल तुम बोलो जब तक वो कर लेगी, बोलो अस्य जन्म। अस्य जन्म शांति निकेतने अभवत्। शांति निकेतनस्य संस्थापकः गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुरः अस्य नामकरणं कृतवान्। बालकस्य नामकरणं कुर्वन् सः उक्तवान् आसीत् अमर्त्यसेनः इत्येतद् पदं संस्कृतमूलम्। शान्तिनिकेतने वसन् अमर्त्यसेनः संस्कृताभ्यासं कृतवान्। सः स्वपितामहः श्री क्षितिमोहनः सेन इव संस्कृतस्य प्रसिद्धः विद्वान् भवेयम् इति इच्छति स्म। उच्चशिक्षा। अच्छा ओके 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 हाँ तो किंजल आपको समझ में आया कि क्या बात की जाए, हिंदी में बताओ थोड़ा बताओ। अमर सेन जो नाम है वो एक संस्कृत नाम है, वह संस्कृत नाम है। वेरी गुड। इस इनका जन्म शांति निकेतन में हुआ था। शांति निकेतन के संस्थापक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको संस्थाप किया ये शांति निकेतन को। और वहीं पर उनका वेरी गुड वेरी गुड और वहीं पे एक बालक हुआ उसका हाँ। नाम रखा गया अमर्त्य सेन हाँ। जो कि संस्कृत नाम है। ठीक
फिर शांति निकेतन शांति निकेतन में रहते हुए अमर्त्य सेन ने संस्कृत भाषा सीखी. वेरी गुड. वहाँ उन्होंने वहाँ उनके जो पिता थे उनका नाम था क्षितिज दादाजी थे उनका नाम था क्षितिज मोहन सेन और वो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं. हाँ ठीक. वो चाहते थे कि ये भी संस्कृत का विद्वान बने. ठीक है. हाँ ठीक है. आयुषी अभी आया समझ में? Yes, ma'am. दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना. तो अब पढ़ो आगे पढ़ो. उचित शिक्षा प्राप्ति अर्थम आंग्लदेशम आगच्छत तत्र अर्थशास्त्रस्य विशदम् अध्ययनं कृत्वा प्राध्यापकः अभवत्. अध्यापन समये सः अर्थशास्त्र विषयकं महतीं गवेषणम् अकरोत्. अध्यापन कार्यं समाप्य श्री अमर्त्य सेनः भारतं प्रत्यावर्तत. वेरी गुड. भारत सर्वकारः तस्य वैदुष्यं विदतां च समादरं तस्मै भारतरत्नम् इति सम्मानं दत्तवान्. जयतु एषः संस्कृत पुत्रः अर्थशास्त्री च. हाँ तो अब समझाओ थोड़ा. क्या समझी हो? हिंदी में बोलो. उच्च शिक्षा के लिए हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अच्छी नहीं उच्च मतलब स्नातक होता है डिग्री. डिग्री कॉलेज में जाते हैं ना कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए. कहाँ गए वो? आंग्ल देश मतलब इंग्लैंड अमेरिका. ओके इंग्लैंड गए और वहां मैम अर्थशास्त्र का गहन विशद माने गहन विस्तार से अध्ययन किया और क्या बन गए थे वो? प्रोफेसर है ना. प्राध्यापक मीन्स प्रोफेसर बन गए. और अध्यापन के समय में उन्होंने क्या किया था कि अर्थशास्त्र के विषय में बहुत खोज की. गवेषणा मतलब खोज है ना अन्वेषण किया. और फिर क्या किया बोलो मैम? वो सारा वो अर्थशास्त्र वाला काम करके फिर वो भारत अध्यापन मतलब अपना टीचिंग जो है ना पढ़ाना पढ़ाने का कार्य अध्यापन कार्य उसी को कहते हैं. जैसे मैं अध्यापन कार्य कर रही हूँ अभी है ना. उसको समाप्त करके अमर्त्य सेन भारत लौट आए और फिर क्या हुआ? भारत सरकार ने उनकी विद्वता और वैदुष्य माने विद्वता मीन्स बुद्धिमानी ठीक है पांडित्य और सब्जेक्ट का जो एक विशेषज्ञ होते हैं उनको आदर देते हुए उन्होंने क्या किया भारत रत्न से उनको सम्मान दिया. और ये बताया गया है कि जयतु ऐसे संस्कृत पुत्र की जय हो और अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र के जनक रहे. ठीक है. हाँ तो अब रामा. वेरी गुड आयुषी. रामा सुन रही है? Yes, रामा हाँ. इसका क्वेश्चन अमर्त्य सेनस्य जन्म कुत्र अभवत? शांति निकेतने. वेरी गुड. अमर्त्य सेनाय भारत रत्नम इति सम्मानम कह दत्तवान? यशिका. यस मैम. बोलो. अमर्त्य सेनाय भारत रत्नम इति सम्मानम कह दत्तवान? किसने दिया सम्मान? हरीश
यस मैम बोलो किसने दिया अमर्त सेनाय भारतरत्नम इति सम्मानम कह दत्तवान बता तो किसको समझ में आ रहा है बोलो भारत सरकार है ना भारत सरकार ने दिया ना कहाँ था सुन नहीं रहा था क्या ये सर मुझे लगा कि राष्ट्रपति होगा तो नहीं नहीं वो देते हैं राष्ट्रपति तो देते ही हैं पर वो भारत सरकार के द्वारा ही आएगा ठीक है ओके चलो अब आगे आगे का क्वेश्चन है अमर्त सेन उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत किंजल बताओ आपने पढ़ा है आंग्लदेश आंग्लदेश या आंग्लदेशम ठीक है आंग्लदेशम हाँ फिर अमर्त सेन कुत्र संस्कृताभ्यास कृतवान शांति निकेतन हाँ शांति निकेतनम या शांति निकेतने शांति निकेतन में समझ में आया हाँ, अब ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे द्वितीय लगानी है कहाँ पे सप्तमी दोनों ही लगती है कुत्र के योग में तो जैसे अमर्त सेन उच्च शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ गए तो आपने लिखा कि आंग्ल देश को गए ना तो यहाँ पे द्वितीय लगती आ गई अमर्त सेन ने कहाँ संस्कृत अभ्यास किया है ना कहाँ किया तो फिर सप्तमी आएगी समझ में आ गया शांति निकेतने ओके ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमको द्वितीय लगाना है और कहाँ पे सप्तमी कुत्र के योग में द्वितीय और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है लेकिन कहाँ पे को लग रहा है कहाँ पर मैं लग रहा है ये थोड़ा सेंस रखना है ठीक है बच्चों कुतः का भी तो प्रयोग होता है किसका कुतः कुतः मीन्स कहाँ से आता है उसमें पंचमी व्यक्ति आती है उसमें तो ठीक है कहां से के लिए पंचमी व्यक्ति आती है समझ में आ रहा है सृष्टि सृष्टि यस मैम हाँ चलो सृष्टि आगे बताओ अमर्त सेनस्य नाम विषये रविंद्रनाथ ठाकुर किम उक्तवान अमर्त सेन के नाम के विषय में रविंद्र ठाकुर ने क्या कहा मैं पहले आपको बता देती हूँ yes, हाँ हाँ बोलो बालकस्य नामकरणं कुर्वन्नः रविन्द्रनाथ ठाकुरः उक्तवान् अमर्त्यसेनः इत्येतत् पदं संस्कृतमूलम् वेरी गुड इसके बाद में प्रणाम यस मैम हाँ बेटा अध्यापन समये सह किम कृतवान मैम एक मिनट अध्यापन समये सह किम कृतवान मैम एक सेकेंड मैम अध्यापन समये सह अर्थशास्त्री विषय किम भारतीय गवेषणाम अकरोत हाँ गुड ठीक इसके बाद में अगला अस्य जन्म शांति निकेतने अभवत इत्यस्मिन् वाक्ये अस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम आयुषी हाँ बोलो मैम अमर्त्य सेनस्य सेनस्य सेनाय बोलो ना यसे हाँ सुनो अमर्त्य सेनाय है ना हाँ और यदि आप है ना अमर्त्य सेनस मैम अमर्त्याय हो जाएगा मैम अमर्त्याय भी बोल सकते हैं सुन तो लो तुमने बोला वो सही बोला है उसमें एक ऐड करना है कृते और लगाना है ठीक है यदि आप षष्ठी व्यक्ति जैसे जो प्रश्न जो दिया है ना अस्य दिया है तो आपने बोला अमर्त्य सेनस से गलत नहीं है पर इसके साथ में हमको कृते लगाना जरूरी है या फिर आप जो क्वेश्चन दिया है जिस विभक्ति में उसी में उत्तर दो ठीक है दोनों सही हो जाएंगे लेकिन इसके साथ हमें ऐड करना पड़ेगा इति पदाय भी कह सकते हैं इति पदाय या कृति लगाना पड़ेगा तीन तरह से उत्तर दे सकते हैं हम इसको या तो हम प्रश्न जो दिया है कस्मई
उस चतुर्थी व्यक्ति का है उसमें दें, या फिर जो जिस विभक्ति में सर्वनाम पूछा गया है उसी विभक्ति में बताते हुए उसके बाद कृते लगा दें, क्योंकि कृते के आने पर षष्ठी व्यक्ति आती है, ठीक है, या फिर इति पदाय लिख दें उसके बाद इस पद के लिए। समझ में आया प्रणव? यस मैम। समझ में आया मैंने जो बताया? यस मैम। यस मैम समझ में आया। क्योंकि इसी में आप ऐसे कर दोगे ना तो वहीं पर 1/4 मार्क्स कट जाएगा यदि आधे नंबर का होगा तो, ठीक है, ओके। तो हमें ऐसा मौका नहीं देना है, समझना है उसमें। चलो अब आगे सृष्टि बता रही थी। सृष्टि अमर्त्यसेन संस्कृताभ्यासं कृतवान् गद्यांशेऽस्मिन् कर्तृपदं चित्वा वदतु। अमर्त्यसेन। हाँ गुड। संयुजा कहाँ गई पता ही नहीं है। यशिका मैम मैं बोलू? सारे तुम ही बोलोगे, यशिका को बोल लो। यशिका यस मैम। हाँ बोलो। अगच्छति इति क्रिया पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम बताओ। अब मुझे आपके लिए इसको वैसे वैसे भी बता सकते हैं, अगच्छत आपको गद्यांश से बताना है, ठीक है, तो बताओ बताओ क्या होगा। अगच्छत माने गए। जशिका यस मैम। बोलो कुछ तो बोलो, किंचित अपि वदतु। मैम मैं बोलू? हाँ बोलो। प्रत्यावर्तत। हाँ प्रत्यावर्तत, देखो भारत को लौटे, लौटे मतलब आए, तो अगच्छत का विलोम हो गया प्रत्यावर्तत। गुड। अब यशिका सुन लिया ना? अच्छा यशिका। यस मैम। हाँ अगला उत्तर बताओ। महतिम गवेषणाम अत्र विशेषण पदम किम? शीघ्रम बदतु। महतिम गवेषणाम अत्र विशेषण पदम किम? मैम मैं बोलू? हाँ मैम महतिम होगा। हाँ महतिम होगा, ठीक है, विशेषण महतिम है और ये विशेष है गवेषणाम। यशिका कोई टेंशन है क्या? क्या हुआ? मैम कुछ नहीं। तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रही? इतना तो पता है तुझे, मुझे मालूम है। अच्छा उपरोक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम दियेताम। हाँ ये सबको पता है, अमर्त्यसेन इति गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम अस्ति। ओके हम सिर्फ अमर्त्यसेन लिख दे तो भी चलेगा ना? वही तो बोला है। मैं मतलब सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखा तो नहीं, आप है ना सुनो, केवल नहीं बोलो, इसमें आप विशेषण प्रयोग करो। प्रसिद्ध विद्वान अमर्त्यसेन, और उससे भी अच्छा है ना भारत रत्न। मैम भारत रत्न अमर्त्यसेन। हाँ भारत रत्न नहीं, भारत रत्न फिर अलग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, अर्थशास्त्री तो सही चल जाएगा, परफेक्ट है, प्रसिद्ध विद्वान भी परफेक्ट है, भारत रत्न इसके बाद में कुछ लगाना पड़ेगा फिर। हम क्यों मैम भारत के रत्न मैम ऐसा भी तो प्राप्त बोलो आप, भारत रत्न प्राप्त अमर्त्यसेन। ओके प्राप्त लगाना होगा, नहीं तो भारत रत्न अमर्त्यसेन क्या होगा? रत्न का नाम अमर्त्यसेन थोड़ी है। ओके प्रणाम। समझ में आ गया ना? भारत रत्न प्राप्त लगाना पड़ेगा, तो आप इतना टिपिकल क्यों कर रहे हो जब आप है ना यहाँ पे सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है, तो हमें उसमें रिस्क नहीं लेनी है, है ना? तो हमको बोलना है संस्कृत पुत्र अमर्त्यसेन, ऐसे ही हो सकते हैं, अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन, प्रसिद्ध विद्वान
अमर्त्य सेन, ठीक है, तीन मिल गए आपको इस तरह के। और यदि आप उसमें विशेषण नहीं देना चाहते हैं तो कोई ऐसा वो जरूरी नहीं है, आप श्री लगाओ फिर, श्री अमर्त्य सेन। यस मैम, है ना, वो भी सही है, लेकिन हम विशेषण से क्या है उसमें और अच्छा लगता है, एक अलंकार, एक जैसे एक गुण जुड़ जाता है ना। यस मैम, समझ में आया। आप सीधे सीधे किसी बच्चे को ऐसे बालक बोल दें और गुणी बालक, तो दोनों में अंतर है ना, समझ में आया। यस मैम, समझ में आया। बालक, एक को बोला गुणी बालक, सुंदर बालक, तो उसमें उसका अच्छे से व्याख्या होती है। चलो ठीक है, अब अगला, अब तैयार है कोई? सृष्टि, 10 मिनट हो चुके हैं, बोलो तैयार हो? मैम एक मिनट। अच्छा, अभी एक मिनट और चाहिए, ठीक है, चलो ही। और संयुजा, संयुजा। यस मैम। आपको कितना टाइम चाहिए बता दो। मैम मैं अभी कर दूँ श्लोक? कर दो। हाँ, कैमरा ओपन करके करो तो ज्यादा अच्छा है। यस मैम, है ना। हाँ ठीक, गुड। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमंतरं सुभाषितं मूर्णैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन सत्येन धार्ते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसि शौर्यं च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। धनधान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमया क्षमया विषीकृतिर्लोके, क्षमा किं न साध्यते, शान्तिर्खण्डगः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। मैम हो गया, बस। और भी है क्या? इतना ही है, इतना ही है क्या? इतना ही था। अच्छा, हाँ नहीं, श्लोक में इसमें इतना ही था, मैंने और आगे ऐड किया है क्या, ये पूछ रही हूँ। चलो ठीक है, यशिका, यशिका सुनाना स्टोरी मैम नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम, अच्छा चलो ठीक है, तो ओके। सृष्टि, एक मिनट हुआ है क्या? क्योंकि फिर मैं कुछ और कराऊंगी। यस मैम। क्या? यस मैम, समझ में नहीं आया मेरे को, करना है या मैं? एक मिनट अभी करना है, चलना है। अच्छा ठीक है, ओके, तो मैं ना आगे बढ़ती हूँ, उसके बाद में आप सोच लेना। चलो अब अगला है, इसी को कराएं, एक और कराएं, फिर दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन चेंज करें, बताओ, संस्कृत अनुवाद पे आ जाएं। यस मैम। अच्छा, यस मैम, ओके। हाँ दिख रहा है ना? नो मैम। दिख रहा? यस मैम। मैम दिख रहा है। किसको नहीं दिखा? मैम मुझे प्रेजेंटिंग तो आ नहीं रहा यहाँ पे स्क्रीन। अच्छा ऐसा है, दोबारा से बाहर जा करके फिर से आओ, ठीक है, दोबारा ज्वाइन करो फिर दिखेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर नहीं दिख रहा है तो। किसको दिखा? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो सर। हाँ बोलो। सरोवरे, सरोवरे पहले पहले हिंदी तो पढ़ो। सरोवर में शेर जीभ से लप लप करके पानी पीता है। हाँ सरोवरे, हाँ सरोवरे शेरह हाँ
मैम दिव्या, दिव्या मैम दिव्या होगा ना मैम, मैम लप लप के लिए क्या होगा, लप 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 कृत्वा चलम पिबति, वेरी गुड। ठीक, अब अगला किंजल बोलो, जीव को मुंह से बाहर निकालता है, जीभम, हाँ जिभ्याम, जिभ्याम, हाँ मुख, मुखात, हाँ बही, हाँ मैम निकालने के लिए बही निष्कास्यति, निष्कास्यति, ठीक है गुड। आगे, जीव में पानी लेता है, जीव में पानी लेता है, रामा रामा जीव में पानी लेता है, मैं बोलू, हाँ बोलो मैम, मैं बोलू, जिह्वायां मैम जिह्वायां जलम आनयति, हाँ जिह्वायां जलम आनयति, नहीं नयति, गृह्णाति मैम, गृह्णाति, यस मैम, लेता है ना, हाँ गृह्णाति, ठीक है, आनयति माने तो लाता है, नयति नयति मतलब कहीं पे ले जाने के लिए होता है, ये तो अंदर ग्रहण कर रहा है ना, तो गृह्णाति भी आपका ग्रह धातु होती है ना, उसी से चलेगा। ओके, जब जी रामा, रामा है नहीं क्या, रामा, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहता है इन बच्चों का, मैम नहीं है, मैम नहीं है वो, अच्छा संयुजा, संयुजा संयुजा, हाँ बेटा बोलो, जब जीव मुंह के अंदर जाती है तब पानी भी अंदर जाता है, बोलो, जब बोलो, यदा, हाँ यदा जिभ्या, हम जीव के लिए क्या होता है, जिभ्या, जिभ्या, जिभ्या मुख, हाँ बोलो, यदा जिभ्या मुंह को क्या बोलते हैं, मुखस्य, मुखस्य, हाँ मुखस्य, यदा यदा जिभ्या मुख मुखस्य, हाँ अंतः 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 गच्छति, गुड, तदा जलम अपि, हाँ अंतः गच्छति, हाँ हाँ गुड, ठीक, जलपान के समय शेर यहाँ वहां देखता है, कौन बोलेगा, हरीश, हाँ बोलो, जलपान, जलपाने समय, जलपाने समय सिंह ततः, जलपान समय नहीं करो, समय समयवाची इति सप्तमी विभक्ति, तो इसको पूरा मिलाओ, जलपान समये, है ना बोलो, जलपान समये सिंह इतस्ततः देख दृश्य पश्यति, वेरी गुड। अब अभी कौन मुसष्टी बोलो, शेर के साथ उसके बच्चे भी हैं, सिंह सिंघा, मैम एक मिनट, सिंघेन सह, सिंघान सह, सह 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 तो हो गया, सह नहीं, उसके उसके मतलब षष्ठी व्यक्ति, तद्रूप, देखो इसके लिए होता है अस्य, उसके लिए क्या होगा, तस्य बच्चा, सुनो शेर के पशुओं के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आता है शावक, शावक अपि अस्ति, संति, यस मैम संति, हाँ शेरनी भी पानी पीने आती है, हितेंद्र, हितेंद्र
हिरणी भी पानी पीने आती है। हितेंद्र यस मैम बोलो। सिंही सिंही भी बोल सकते हैं है ना, सिंहिनी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। सिंहिनी सिंहिनी हाँ जलम। अरे भी तो लगाओ, भी मतलब अभी बोला था, भी कहाँ आया था, ये आया था बच्चे भी हैं, सुन रहा था कि नहीं, लिसनिंग अच्छे से करना ना अपी, लिसनिंग स्किल में ज्यादा अच्छा क्या है क्या। सिहनी सिहनी अपी जलम पीबे पीने पीने के लिए तुमुन प्रत्यय पा प्लस तुमुन पातुम पातुम आती है अगच्छति आगच्छति है ना आगच्छति आज जोर से बोलना पड़ेगा। अगच्छति तो होता ही नहीं है, आगच्छति होता है, समझ में आया। जाती है गच्छति, आती है आगच्छति, समझ में आ गया। यशिका पानी पीकर वे वन को जाते हैं। यशिका यस मैम बोलो। पानी पीकर पानी को क्या बोलेंगे, हाँ जलम जलम पीवेन। अच्छा पा प्लस कत्वा क्या होता है, पित्वा। हाँ वे सब, अब ये सब लोग हो गए ना, क्या आएगा सह तऊते, सुनो क्या आएगा सह। सह क्यों आएगा, बहुत सारे हैं ना, मैंने आपको ऑप्शन दिया। हाँ ते फिर वन को वनम वनम जाते हैं, जाते हैं गच्छत। बोलो मैंने जैसे सह तऊ ते बोला, आपको क्या लगाना है, कौन सा वचन लगाना है, थोड़ा दिमाग दो ना, दौड़ाओ अपना, क्या आना चाहिए। यस मैम। हाँ बोलो कहाँ से प्रकट होता है। यस मैम घबरा के, पानी पीकर वे बन को जाते हैं। मैम बोल रहा हूँ मैम, नीरम नीरम पीतवा ते ते वनम ते वनम गच्छन्ति। हाँ ते वनम गच्छन्ति और वनम प्रति भी कह सकते हैं। ओके वनम प्रति गच्छन्ति क्योंकि वो उस ओर जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। ओर लगाया नहीं लगाया चलेगा, वो भी चलेगा, यदि आप प्रति लगा भी देते हो तो वो भी चल जाएगा, गलत नहीं है। ठीक है चलो बस इतना ही कराएंगे इसमें, तो इसके बाद में थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं। फिर इस पे फिर से आते हाँ। अब सृष्टि टाइम भी हो गया है, थोड़ा सा आप ध्यान दो। गायतु गीतम गायतु सुगीतम गायतु। यस मैम गा रही हूँ। अहम गायामि शीघ्रम आचार्य प्रतीक्षां कुरु क्षणम्। यशिका काय को लेफ्ट हो गई पहले ही। यशिका नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। हाँ और ये हितेंद्र नीले तो आज आया ही नहीं। यस मैम है ना। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ,
और नहीं है तो फिर तैयार रहो, अच्छी बात नहीं है आज तैयार नहीं है। सृष्टि मैं गाऊ? हाँ गाओ, वीडियो ओपन कर लो तो ज्यादा अच्छा है। यस मैम। चिड़िया बिठा रखी है तुमने, चिड़िया की तरह लगेगी गायती। हाँ बोलो मैम, दिख रहा है वीडियो? हाँ खूब दिख रहा है। यस मैम। हम स्टार्ट करूं? हाँ 1 2 3। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमन् 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सम्प्रभं ब्रह्मनिलिम्ब निर्जरि विलोल रीचि वल्लरी विराजमान मूर्धन धगद 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 जललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम मम। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुर दिगंत संत प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष दूर नील रुद्र दुर्धरापति वच्चि दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुने। गुड गुड वेरी गुड। लस्वरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमके मदान सिन्धुरस्वरत्व गुत्तरीय मेन्दुरे मनो विनोदे मद्भुतं विवर्तु भूते वर्तरि। सहस्र लोचन प्रभक्य शेषरेख शेखर रसून धूलि धोरणी विदुसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालयाने बद्ध जाट झूटक शिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वर चला धनंजय अश्वलिंग निपीत पंच सायक नमन निलिंब नायक सुदामयूख लेखया विराजमान शेखर। महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुना कराल भाल पट्टिका धगद 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 जला धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्वर कुहुनिशीति नीतम प्रबंध बद्ध कंदर निलिंप निर्जरि दरस्तनोतु कृत्ति सिंदुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभ अलंबिकंठ कंद नीरुचि प्रबंध कंदर स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं अखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजंबणा मधुगत स्मरांतकं पुरांतकं भक्तांतकं मखांतकं गजांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। जयत्वदाभ्र विभ्रम प्रमद्भुजंगमश्वस विनिर्गमक्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवा धिमिद्धिमिद्धिमिद्धिमिद्वनं मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ऋषत् विचित्र तल्पयो भुजंग मुक्ति कष्टजु गरिष्ठ रत्न लोष्टयो श्रीहद्मि पक्ष पक्षयो प्रणारविंद चक्षुषु प्रजामहि महेन्द्रयो सम प्रवर्तिक कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। कदा निलिंप निर्चरी निकुंज कोठरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन विलोल लोल लोचनोल लाम बाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा शिव भजाम्यहम्।
इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ध्रुवन्ननु विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरु सुभक्तिमाशुयाति यथा गति विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनं थैंक यू मैम वेरी गुड वेरी गुड बहुत सुंदर मैम सबको समझ में आया सुनाई दिया अच्छे से तो सभी लोग उसको हाँ रिवार्ड दो मैम आपके प्रेजेंटेशन ना मैम आपका जो प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है मैम उसमें रिज्यूम प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर दीजिए मैम एक बार अच्छा ठीक है ठीक मैम रिज्यूम वाला बटन यस मैम क्या फिर से बोलना मैम यहाँ पे मैम नीचे है ना मैम रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन किधर है मैम नीचे राइट में मैम जहाँ से वो आप स्क्रीन शेयर करती है ना हाँ मैम वहां से कर दीजिएगा